हेलो, फिर से आप लोग का वेलकम है मेरे इस मैथ क्लास में। मैं दो वीडियो डेली अपलोड कर रहा हूँ, एक सुबह में और एक शाम में। एक वीडियो में मैं जो सीरीज वाइज जो चैप्टर है उनके सीरीज को मैं कंप्लीट करने चाह रहा हूँ और उसके कॉन्सेप्ट को, और दूसरे वीडियो में जितने कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन हैं, कॉम्पिटिटिव में जितने कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को मैं, जितने भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जितने एग्जाम से रिलेटेड और भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो सीरियल वाइज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें फ्रैक्शन चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। फ्रैक्शन होता क्या उसके बारे में बताया था, इम्प्रॉपर प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानने से पहले ये समझ लीजिए कि अगर आप लिख रहे हैं 1/4 तो 1/4 किस क्वांटिटी को बोला जा रहा है, इस चीज को पहले समझ लीजिए। अगर आपके पास पूरे एक केक है तो आप क्या बोलेंगे, लिख के क्या बताएंगे, इस सिंबल का डिनोट करेंगे कि ये मेरे पास केक है, इसका मतलब क्या, वन केक है। तो 1/4 का मतलब आपके पास कौन सा क्वांटिटी है जिसके लिए आप 1/4 यूज कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए प्रैक्टिकली। तो अगर एक केक है और कितने लोगों में डिवाइड हुआ है, चार लोगों में डिवाइड हुआ है। डिवाइड होने के बाद जो एक पार्ट यहाँ से जो चार पार्ट निकला, तो जो एक पार्ट होगा इसको कहेंगे, लिख के कैसे बताएंगे, 1/4। यानी आपके पास एक अमाउंट है केक, यानी आपके पास इतना अमाउंट ऑफ केक है तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा पास 1/4 है, यानी उसको लिख के कैसे बताएंगे, 1/4। अब बोल के कैसे बताएंगे, 1/4। ओके, यानी फ्रैक्शन का मतलब यही हुआ प्रैक्टिकली और रियलिटी में, देख लीजिए पिक्चर। ओके, चलिए आइए हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं। देखिए, मैं अगर लिख रहा हूं दो फ्रैक्शन लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम क्वांटिटी। यानी यहां पर हर एक आदमी को जितना जितना केक मिलेगा, जितना अमाउंट, यहां पर भी उतना ही मिलना चाहिए, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पहले मैं प्रैक्टिकली समझा दूं, उसके बाद मैथ का रूल से कैसे करेंगे दोनों को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए केक कितना है, 1, और लोग कितने हैं, दो लोगों में डिवाइड करना है, तो आप कैसे डिवाइड कीजिएगा, दोनों को आधा आधा दे दीजिएगा। ओके, यहाँ पर देखिए लोग कितने हैं, 4, और केक कितने हैं, 2, तो दो केक को कितने लोगों में डिवाइड करना है, 4, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको हाफ, इसको हाफ, चार पार्ट हो गया। यानी हर एक को कितना मिला, हाफ। तो देखिए यहाँ से भी हर एक आदमी को मिला हाफ, यहाँ से भी हर एक आदमी को मिला एक केक का आधा। तो देखिए क्वांटिटी दोनों में क्या है, दोनों में क्वांटिटी सेम है। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसमें क्वांटिटी अगर दोनों को सेम मिल रहा होगा तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पर आइए मैथ में हम लोग कैसे इजिली हम लोग इसको कर पाएंगे। आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक केक है, दो लोगों में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर दो केक है, चार लोगों में डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि काम करते हैं हम लोग लोगों का क्वांटिटी सेम कर देते हैं। ओके, यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जितने लोग हैं, दोनों को सेम कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं दोनों के पास कितना कितना केक है। अगर दोनों के पास केक सेम है, लोग सेम है, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर यहाँ पर चार आदमी है, इधर चार आदमी है, इसके लिए भी तीन केक, इसके लिए भी तीन केक, यहाँ पर हर एक आदमी को जितना मिलेगा, यहाँ पर जो हर एक आदमी को उतना ही मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, लोगों को सेम करेंगे। तो लोगों को सेम करने का क्या तरीका, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि काम करते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों का टेबल में आ जाए, तब लोग सेम हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि 4 और 2 कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों का टेबल में आता है, आप बोलेंगे 4। तो इसको 4 करने के लिए आप क्या करेंगे, लोगों को डबल करेंगे। जब लोगों को डबल करेंगे तो आपको केक को भी डबल करना पड़ेगा। जब दो आदमी था तो एक केक का जरूरत था, तो जब चार आदमी होगा तो कितना केक का जरूरत होगा, चार केक का, दो केक का जरूरत होगा, तो कितना हो यहाँ पर आपको 2/4। यहाँ पर क्या है, 4 का टेबल में 4 कितना टाइम्स में आता, 1, तो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा वही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों लोग कितना हो गया, यहाँ पर भी चार आदमी, यहाँ पर चार आदमी, इसके लिए भी केक 2, इसके लिए भी केक 2, तो दोनों ही क्या हो गया, क्वांटिटी सेम ही हो गया, यानी क्या हो गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, अब ये छोटा नंबर के लिए ये रूल तो ठीक है, मगर बड़े नंबर में क्या होता है, एलसीएम निकालने में, उसको कौन सा नंबर उसके टेबल में आ रहा है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस निकाले हैं, और इस प्रोसेस को बुक में बताया जाता है, मैं पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है, मैं पीछे का कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ और उस रूल का बता देता हूँ कि आप लोग इजिली उस सम को कर पाएंगे। देखिए आइए, आपको क्या करना है, इसके दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है।
तो दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करने का क्या तरीका है, आप इसके डिनोमिनेटर को इससे, इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा कि नहीं। अगर 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 करेंगे तो दोनों में आप 8 आएगा कि नहीं, यानी इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई किए तो दोनों का डिनोमिनेटर कितना आएगा, 8 8 आ जाएगा कि नहीं। अब जब इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई किए तो आपको इसमें भी क्या करने पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कितना हो गया यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी कितना आ गया 4। तो देखिए लोग भी सेम हो गए और जो केक था वो भी सेम हो गया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो अब देखिए अगर आपको इतना समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर को अगर मल्टीप्लाई कर दे इसके डिनोमिनेटर को ये दोनों में, इसके डिनोमिनेटर को ये दोनों में, तो डिनोमिनेटर तो सेम होगा ही। अब हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो रहा है तो अब आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने का आपका झमेला ही नहीं है, अब आपको क्या देखना है, सिर्फ न्यूमिनेटर को देखना है। तो आप क्या क्या काम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा 4, यानी दोनों 4 हो गया। तो 4 आ गया मतलब क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, इसीलिए किया जाता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है और इसके डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है। पीछे का कॉन्सेप्ट यही है। ओके, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 5/3 और यहाँ पर लिखता हूँ मैं 15, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए तीन लोगों के लिए 5 केक था, हम क्या बोले कि केक को ट्रिपल कर दो, तब लोगों को कितना करने पड़ेगा, जब तीन लोग थे तो उनके लिए कितना केक था, 4 केक, 5 केक था, तो जब केक का अगर 3 टाइम्स हो गया, ट्रिपल हो गया, तो लोगों को भी क्या करने पड़ेगा, 3 टाइम्स करने पड़ेगा, तो लोग भी कितना हो जाएगा, 3 का 3 टाइम्स कितना होगा 9, यानी कितना हो जाएगा 15/9। ओके, क्लियर है, चलिए इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 45/60, यानी 60 लोगों के लिए 45 केक थे, तो आप क्या कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को आप 4 कीजिए, यानी 4 लोगों के लिए आप कितना केक का जरूरत पड़ेगा, यानी जब 60 लोग हैं तो 45 केक का जरूरत है, तो जब 4 लोग होंगे तो आपको कितना केक का जरूरत होगा आप बताओ। तो आप क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि 60 से हमको क्या करना है, 60 लोगों को 4 लोगों में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि इसको जो है हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे कि हर एक पार्ट में 4-4 आ जाए, तो आप बोलेंगे इसको अगर 15 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हर एक पार्ट में कितना आ जाएगा, हमको 4-4 आ जाएगा, तो आप इसको क्या किए 15 से इसको डिवाइड किए। अब जब इसको 15 पार्ट में डिवाइड किए तो इसको भी तो आपको 15 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना हर एक के पास जा पाएगा ये भी पार्ट, क्योंकि एक भी पार्ट कम होगा तो एक लोगों के लिए, तो एक ग्रुप के लिए अब बात हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप 15 ग्रुप में इसको बांटे तो यहाँ पर भी आपको 15 ग्रुप में बांटेंगे, तो यहाँ से हर ग्रुप में कितना आएगा केक 3, तो हर ग्रुप के लिए यहाँ पर 4 लोगों के लिए कितना केक आ गया, 3 केक आ गया, यानी डिनोमिनेटर कितना हो गया 4, यानी 4 लोगों के लिए कितना केक चाहिए आपको, 3 केक चाहिए। ओके, क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन। और जो आपको रिड्यूस करने के लिए भी देता है, मान लीजिए आपको रिड्यूस करने के लिए दिया है आपको 60 और 24, बोल रहा है कि 24 लोगों के लिए 60 केक चाहिए, तो आप इसको छोटा में बताओ कि कितने लोगों के लिए कितना, यानी कुछ लोगों में बताओ, छोटा करके बताओ कि कितना केक चाहिए, छोटा रिड्यूस फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ये दोनों किससे डिवाइड हो रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड कर पाए दोनों को, तो आप इसको बोलेंगे कि इसको 6 से डिवाइड कर रहे 4 पार्ट में, इसको 6 से डिवाइड कर रहे 10 पार्ट में, फिर आप बोलेंगे क्या हो रहा है, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में, ये 2 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम्स में, यानी कितना हो गया 5/2, यानी दो लोगों के लिए कितना केक चाहिए, तो हमको 5 केक चाहिए। ओके, क्लियर है, तो इसको बोला जाता है रिड्यूस फॉर्म। नेक्स्ट आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसको कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन हम लोग किसको कहेंगे, देखिए 7 केक है उसको 11 लोगों में डिवाइड किया गया, यहाँ पर 8 केक है और 11 लोगों में डिवाइड किया गया, यानी केक अलग अलग क्वांटिटी है मगर जो डिवाइड करने के लिए जितने लोग हैं वो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी 11 लोग, इसके लिए भी 11 लोग, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, यानी
इस केक को जितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है इसको भी उतने ही पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, यानी दोनों को जो पार्ट जो डिवाइड करने का जो पार्ट है अगर दोनों का सेम हो, यानी दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो, इसको बोलेंगे हम लोग लाइक फ्रैक्शन। ओके क्लियर है। अब इसके बारे में आता है लाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर यही फ्रैक्शन को अगर मैं लूं, अब मैं बोलूं कि ये कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, बताइए। अब देखिए यहाँ पर 7 केक है, दोनों के लिए लोग सेम है, यहाँ पर भी 11 लोग यहाँ पर भी 11 लोग, ओके तो लोग दोनों में सेम है, तो जिसके पास ज्यादा केक आएगा उन्हीं लोग को ज्यादा मिलेगा, सिंपल सा बात है। अगर यहाँ पर 8 केक आ रहा है, मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं 7 लूं और यहाँ पर 14 लूं, तो यहाँ पर मैं अगर 11 लूं यहाँ पर अगर 22 लूं, तो 11 लोगों में 11 केक एक एक करके मिलेगा और 11 लोगों में 22 केक कितना दो दो करके मिलेगा, यानी जिसके पास जितना ज्यादा केक होगा उतना ही ज्यादा उसके पास वैल्यू होगा। तो इसके लिए कौन इसमें से ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर ये 8 और यहाँ पर अगर ये 7 है तो कौन सा ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा। और जिसके तरफ ये ग्रेटर का साइन लेस का साइन कब होगा, इसका मुंह जिस तरफ खुला होगा वही बड़ा होगा, यानी जो बड़ा है उस तरफ मुंह इसको खोल के लगा दीजिए। अगर ये बड़ा होता तो इस तरफ मुंह खोल के लगा दीजिए, इस तरफ बड़ा है तो इस तरफ मुंह खोल के लगा दीजिए। ओके तो इस तरह आप लाइक फ्रैक्शन का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन का एडिशन है, लाइक फ्रैक्शन को ऐड भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके उसके बाद लाइक फ्रैक्शन का एडिशन है, उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह कंपेयर किया जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन को किस तरह ऐड किया जाता है, मिक्स फॉर्म को किस तरह ऐड किया जाता है, उसके लिए मैंने बहुत न्यू कॉन्सेप्ट निकाला है। बहुत इजीली और कुछ सेकंड के अंदर बहुत जल्दी आप लोग जो उसका आंसर निकाल पाएंगे। इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। न्यू कॉन्सेप्ट है, पूरा न्यू है और बहुत जल्दी आप लोग इस सारी चीजों को आप लोग कर पाएंगे। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।